ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो अब उसी की तैयारी में हमारे संगठन के सभी लोग जुट गए हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो बस अब यही कहना चाहूंगी कि अब बातें कम करेंगे, अब काम बहुत ज्यादा है। सही गणित है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे काम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारी योजनाएं भी हैं जो अभी आने वाली हैं। और अभी झारखंड के लोगों के लिए जो चीजें बाकी बची हैं 3-4 महीनों में, तो हम लोग उसको धरातल में अच्छी तरीके से सब लोगों को इसकी सुविधाएं मिले, बस यही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोकसभा तो अभी पहला पड़ाव। पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान छाई रही और मात्र 90 दिनों के अंदर खुद को साबित कर दिया, जेएमएम के अंदर एक सुकार्य नेता बन गई हैं। बता दें कि अब विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कल्पना सोरेन हुसैनाबाद पहुंची थी और वहां से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर आगे की रणनीतियों का ऐलान कर दिया, यानी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। कल्पना सोरेन से जब सीता सोरेन पर सवाल पूछा गया तो आखिर कल्पना सोरेन ने क्या कहा? इसके अलावा जब ये पूछा गया कि एक तरफ सांसद पर आरोप लग रहा है, विधायक को पिटवा दे रहे हैं, इसके अलावा जगह जगह पर खबरें आ रही है कि भाजपा नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं, इस पर भी कल्पना सोरेन ने काफी सदा हुआ जवाब दिया और ये कहा कि जब हार होती है तो समीक्षा बैठक में ऐसी बातें होती रहती हैं। हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है कि भाजपा में क्या हो रहा है, हमारा ध्यान इस तरफ है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारी तैयारी कैसी होनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को खुश नहीं होना है कि भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि हमें अभी काफ़ी कुछ करना है। हमारे सीएम जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कई योजनाएँ हैं जिसको धरातल पर उतारनी है। हमारा पूरा फोकस अपने परफॉर्मेंस पर है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर जेएमएम के कार्यकर्ता खुश ना हो। ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो अब उसी की तैयारी में हमारे संगठन के सभी लोग जुट गए हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो बस अब यही कहना चाहूंगी कि अब बातें कम करेंगे, अब काम बहुत ज्यादा है। सही गणित है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे काम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारी योजनाएं भी हैं जो अभी आने वाली हैं। और अभी झारखंड के लोगों के लिए जो चीजें बाकी बची हैं 3-4 महीनों में, तो हम लोग उसको धरातल में अच्छी तरीके से सब लोगों को इसकी सुविधाएं मिले, बस यही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोकसभा तो अभी पहला पड़ाव। वही सीता सोरेन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, जबकि सीता सोरेन लगातार कल्पना सोरेन पर हमले करती दिखी। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव प्रचार चल रहा था तब खुले मंचों से जो है सीता सोरेन कल्पना सोरेन को घमंडी बता रही थी और उन पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन जब सीता सोरेन पर कल्पना सोरेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सवाल के जवाब टाल दिए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। कल्पना सोरेन ने कहा, मेरा एक ही ध्येय है, लोग विधानसभा चुनाव में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना। जो हमारे गुरुजी हैं शिबू सोरेन जी, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके अलावा हेमंत सोरेन जी का दिशा निर्देश मिल रहा है और मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ जो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो बता दें कि हुसैनाबाद से कल्पना सोरेन ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ कल ही आपको पता होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने भी जो है वो ऐलान कर दिया है, चुनावी शंखनाद कर दिया, ये ऐलान कर दिया है कि झारखंड में जो है वो जेपी नड्डा हों या फिर अमित शाह यहाँ प्रवास करेंगे। और जब उनसे भी पूछा गया, सीता सोरेन ने आरोप लगा रहे तो कहा कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं हम आगे सुधार करेंगे, हम लोग सब एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में जो है वो फतह करेंगे। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, एक तरफ जहाँ हुसैनाबाद में कल्पना सोरेन ने चुनावी शंखनाद का ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा ने बाकायदा अपनी रणनीतियों का ऐलान किया और ये कह दिया कि हम आखिर कैसे अगला चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।